घर की औरत पार्ट टू। मीना याद है ना आपको, जिसके ससुराल में ससुर और पति कैसे उसका और उसकी सास का अपमान किया करते थे। वैसे तो मीना को नौकरी की इजाजत मिल गई थी, लेकिन मीना ये क्या है, खाना अभी तक नहीं बना, कब से मैं यहाँ बैठा हूँ कि नाश्ता कर लूँ। बस 2 मिनट, वो ऑफिस की एक ईमेल करनी है। तभी ससुर जी आ जाते हैं। मैंना कहता था जिस दिन ये फीमेल ईमेल करने लगेगी घर नहीं चलने वाला। तभी सास हाथ में नाश्ते की प्लेट ले आती है। ये लो सभी उपमा खाओ। गर्मा गर्म स्वादिष्ट उपमा देखकर, वाह माँ जी 2 मिनट में ये कमाल, क्या बात है। वो आता है ना रेडी टू ईट वाला पैकेट, वही बनाया है, स्वाद बता बहू कैसा है। कल तक जो बीवी पति के नाम से ही कांपती थी, बहू के आ जाने के बाद कैसे उड़ रही है, ये देखकर ससुर जी को आ जाता है गुस्सा। हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, या तेरा बाप दे जा रहा है जो बैठे बैठे पैसे खर्च कर रही है। अरे जरा शरीर चला लिया कर, वरना पता है ना जब मेरा हाथ पड़ेगा तो कैसे काम करती है तू। बहू बेटे के सामने खुद का अपमान सास बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोती हुई कमरे में चली जाती है। क्या पापा, क्या जरूरत थी माँ से ऐसे बात करने की, सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब जब खाना आया तो रुला दिया आपने। चलिए देखते हैं माँ कहाँ गई। मेरी जूती भी ना जाए उस पागल औरत को देखने। अरे क्या गलत काम मैंने, बस यही ना कि भाई पैसे बचाओ, अरे कमाने बाहर निकले ना तब पता चले कि कैसे हड्डी गल जाती है। बात तो सही कह रहे हैं पिताजी, माँ को तो बस पैसे उड़ाना आता है। अरे पर माँ ने तो सबके लिए नाश्ता ही बनाया था ना, कौन सा खुद के लिए गहने खरीदे थे। खैर बहू समझ जाती है कि सारा मामला कमाई का ही है, क्योंकि सास कुछ करती नहीं, कुछ कमाती नहीं, तो ससुर जी उन पर हावी रहते हैं। फिर क्या था, अब थी बारी बहू की। माँ जी दरवाजा खोलिए, देखिए मैं उपमा लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म खा लेते हैं। सास कमरा खोल देती है, सामने खड़ी होती है बहू हाथ में उपमा की प्लेट लेकर। बहू सास की सूजी आंख देखकर समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है। वो बात पलटते हुए कहती है, माँ जी वो आपकी काली साड़ी पर काला ब्लाउज है ना, वो प्लीज मुझे दीजिए, मुझे कल ना काली साड़ी पहनी लेकिन कोई ब्लाउज ही नहीं है। सास बहू की बात में अपना गम भूल जाती है। हाँ हाँ बहू क्यों नहीं, वो तो मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया था, चल अभी निकाल कर देती हूँ तुझे। सास बहू को ब्लाउज निकाल कर दे देती है। फिर अगले रोज, माँ जी आज तो ऑफिस में कमाल ही हो गया, पता है क्या, सारी सहेलियों ने घेर लिया, पूछ रही थी ब्लाउज कहाँ से खरीदा, मैंने भी बोल दिया मेरी सास ने सिला है, वो भी खुद डिजाइन करके। ये तो वही बात हो गई कि झोला छाप डॉक्टर की दवाई काम कर गई। अरे बहू ये तो बस ऐसे ही बना दिया था। लेकिन माँ जी आपको पता है, ये देखिए 2 लोगों ने तो मुझे कपड़ा भी दे दिया और नाम भी, सेम टू सेम डिजाइन का ब्लाउज बना दो और बदले में ये 2000 रुपए। हाथ में 2000 देखकर सास की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बहू ये तो कमाल ही कर दिया, ये काम तो मैं कल तेरे ऑफिस जाने से पहले ही खत्म कर दूंगी। सच्ची माँ जी, कैसे इतनी जल्दी। अरे बहू वो बस नाप है ना, उसी के आकार का काट काट कर डिजाइन ही तो देना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगले रोज बहू ऑफिस जाती है और फिर शाम को 2 ब्लाउज ले आती है। अरे बहू क्या बात है, लेकिन इसके डिजाइन। बहू फोन में सास को डिजाइन दिखाती है। अरे ये तो बच्चों वाला डिजाइन है, रुक अभी थोड़ी देर में ही दे देती हूँ। सास बहू को कपड़े सिलकर देती और बहू सास को रुपए। फिर एक रोज, माँ जी ये लीजिए कपड़े, लेकिन इसकी सिलाई मैंने ज्यादा ली है, वो क्या है ना हैवी काम है तो मेहनत ज्यादा लगेगी ना आपको। अरे रहने देती बहू, मैंने कौन सी बुटीक खोली है। बहू को सास की बात में दम लगता है और वो कुछ सोचती हुई निकल जाती है। वो कमरे में बैठी होती है कि उसकी ससुर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर फिजूल खर्ची, अरे तुम्हारे जैसी बेकार ना काम काज करने वाली औरत कब पैसे की कीमत समझेगी, क्या जरूरत थी ये मशीन खरीदने की। अरे वो मैंने EMI में ली है, आपको पता है ना कपड़े सिलने का कितना शौक है मुझे। हाँ तो क्या दर्जी बनोगी, लोगों को पकड़ पकड़ कर नाप लोगी, अरे खुद तो शर्म करो। तभी बहू आ जाती है, उसके हाथ में चाबी होती है। माँ जी ये चाबी, मैंने चौराहे में आपके लिए बुटीक खोला है,
पैसा लोन से लिया है तो काम करके आप चुका देना। और हाँ माँ जी, कल उद्घाटन है तो 11 बजे दुकान में पहुँच जाना, पूजा में आपको ही बैठना है। ये सुनकर ससुर जी आग बबूला हो जाते हैं। कहीं नहीं जाएगी ये, इस घर की औरतें बाहर नहीं निकलती। तू तो इंजीनियर है इसलिए तुझे इजाजत दे दी, लेकिन ये तेरी सास, चार अक्षर नहीं आते इसको। अरे रहने दे, क्यों पैसा बर्बाद करवा रही है। सास को डांटने की आदत ससुर जी को जो लग चुकी थी, सास बहू की ओर देखती है। तो माँ जी कल वक्त से तैयार रहना। ससुर जी आप ही तो माँ जी को कहते थे ना, उन्हें पैसे की कदर नहीं है, तो अब वो खुद ही कमाने जा रही हैं। अरे और क्या पापा, देखिए मीना ने कितना अच्छा बुटीक खुला है माँ के लिए। अरे रहने दो, ये कुछ नहीं कर पाएगी, गवार कही की। ससुर की रजामंदी ना होने के बाद भी सास काम करती है, लेकिन ससुर भी ससुर होता है। एक रोज सास देर से घर आती है। कहाँ घूम रही थी, ये कोई वक्त है घर आने का? घर का ठेका क्या आप मर्द लेंगे? अब लगोगी रसोई में, क्योंकि तुम्हारी बहू रानी भी नहीं आई अभी तक। पापा आज बाहर से ही मंगवा लेते हैं। आज बहुत ज्यादा काम था, किसी की शादी का पूरा कपड़ा सिलना था, कल उन लोगों की ट्रेन थी, खुद बैठकर काम करवा कर गए हैं। बहू ये पैसे हैं आज के गल्ले के, जरा संभाल ले। ससुर देख रहा होता है कि कैसे कल तक जिस औरत को वो बुरा भला कहकर डरा कर रखता था, वो आज उससे ज्यादा कमा रही है। देखता है कितना दिन कमाती है। ससुर अब रोज कोई ना कोई ऐसा काम करता जिससे सास का काम बंद हो जाए। फिर एक दिन, हे भगवान 10 बज गया, बुटीक खोलने का वक्त हो गया है, लेकिन ये मेरी साड़ी, इस पर ये क्या गिर गया, पता नहीं किसने क्या डाल दिया, अब क्या करूं। सास दोबारा अलमारी से दूसरी साड़ी निकालती है, फिर उसे प्रेस करती है और किसी तरह बुटीक पहुंचती है जहां पहले से ही कस्टमर खड़े होते हैं। अरे क्या हो गया, लगता है काम चल गया तो मैडम के भाव बढ़ गए। पता है इस धूप में पिछले आधे घंटे से खड़े हैं, पता होता तो वो बगल वाली शॉप में ही दे देते। अरे अरे माफ करिएगा, वो क्या हुआ ना, तैयार होकर निकल ही रही थी कि साड़ी में सॉस गिर गया, दोबारा साड़ी चेंज की तो आप आई। ठीक है लेकिन अब आ गई है तो जरा जल्दी से कपड़े दे दो, हमें जाना है। सास को कस्टमर की बात बुरी लगती है, लेकिन क्या करती, वो जल्दी से सभी को सारा सामान देकर विदा करती है। सारा दिन काम करती है, वो निकल ही रही थी कि एक कस्टमर आती है। जी वो मेरी साड़ी है ना शादी की, उसका लहंगा बनवाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं बनवा लो, शादी की साड़ी के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, परसों मेरी शादी की सालगिरह है तो जरा बना देना। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी कहाँ तैयार होता है शादी का लहंगा, कम से कम 4 दिन तो। देखिए आप 2 दिनों में जितना कमाती है ना, वो मैं आपको 1 दिन में दे दूंगी, बस मेरी ये शादी की साड़ी का लहंगा बना दीजिए। सास को भी अब पैसे की लालच आ जाती है, वो सोचती है कि वैसे भी कोई अर्जेंट काम नहीं है तो वो मैनेज कर लेगी। अब ठीक है नाप दे दीजिए, औरत नाप देकर वहां से चली जाती है। सास सोचती है कि घर जाकर रात में काम करेगी, ये सोचकर वो उस औरत की शादी की साड़ी घर ले आती है। वाह अब काम घर पर भी ले आ रही हो। हाँ लेकिन घबराइए नहीं, घर के काम में कोई असर नहीं होगा। सास घर का काम करती है, बहू के साथ खाना बनाती है, खिलाती है, और फिर क्या बात है सासू माँ, बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही हैं आज। सास बहू को सारी बात बताती है। क्यों माँ जी इतनी भी क्या मेहनत करना? अरे बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि उस बेचारी औरत की इमोशंस की भी थी, ये उसकी शादी की साड़ी है ना। ससुर पास खड़ा सब सुन रहा था। अब देखो बहुत काम करने का शौक है ना, कैसे भरे बाजार तुम्हारी दुकान खुद तुम बंद करोगी। जब सास पूरी रात काम करके सुबह लेटती है, मौका देखकर ससुर कैंची से साड़ी को काट देता है। अगली सुबह, चलो कल आधा लहंगा सिला था, आज पूरा करके शाम को ही उसे उसका लहंगा सौंप दूंगी। लेकिन ये क्या, सास जैसे ही लहंगा उठाती है, लहंगा तो फटा होता है। वहीं ससुर छुपकर सास को देख रहा था। हाय रे, ये किसने किया? ससुर छुपकर हंस रहा था। बहू देख लेती है और ससुर के पास जाती है। पिताजी आपसे ऐसी छोटी हरकत की उम्मीद नहीं थी। आप खुद ही दुकान बंद करेगी।
ससुर वहां से चला जाता है। सास भी वहां जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पति ने ही साड़ी पर कैंची चलाई है। लेकिन फिर शाम को, जी वो मेरा लहंगा तैयार हो गया? हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार लहंगा पहन कर भी देख ले। औरत लहंगा पहन कर आती है और खूब खुश हो जाती है। अरे ये लहंगा है ना अंकल जी कमाल का, आंटी जी ने बनाया है, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन। औरत सास को ढेर सारे पैसे देकर चली जाती है। लेकिन मैंने तो ये औरतों का फैशन है, कहीं से सिल दो या कहीं से काट दो, फैशन ही होता है। चलिए शाम का खाना मेरी तरफ से, आज आपका जन्मदिन है ना, रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है।